मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी बची हुई रोटी का मिल्क केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम रसीला बाजार जैसा मिल्क केक बनकर तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बची हुई रोटी का मिल्क केक बनाने के लिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो बची हुई रोटी ले ली है। तो ये 2-3 घंटे की बची हुई रोटी है, तो आप ज़्यादा पुराना रोटी मत लेना, 2-3 घंटे की या 1 घंटे की, 2 घंटे की बची हुई रोटी लेना। तो अगर आपके पास पुराना रोटी नहीं है तो इस तरह से 2-3 रोटी बना लेना। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 रोटी ले ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार ले ली है और सभी रोटी को इस तरह से टुकड़ों में करके ग्राइंडर जार पे डाल देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी रोटी को ग्राइंडर जार पे डाल दी है। अभी इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है रोटी को। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 प्लेट ले ली है। अभी सभी रोटी को प्लेट पे डाल देंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी रोटी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है, तो एकदम फाइन सा पाउडर बनकर तैयार है। तो चलिए इनको अभी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर 1 पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए और सभी रोटी का जो पाउडर है ना, इनको इस तरह से डाल देंगे। तो इन सभी को डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि रोटी का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है 1 कटोरी मिल्क पाउडर, तो वो डाल देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसमें आप नारियल की मुरादें भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको और एक ऑप्शन बता दी है, आपके पास जो हो तो आप इस तरह से बना लेना। तो देख सकते हैं मैंने और 30 सेकेंड के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। तो अभी क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी चीनी ले ली है और चीनी को अभी थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। तो चम्मच की मदद से इस तरह से चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारा चीनी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध डाल दी है, तो देख सकते हैं दूध डाल देंगे। और दूध को डालने के बाद जो चीनी है ना, इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे फिर से। तो देख सकते हैं चीनी इस तरह से एकदम ठीक हो चुका है। तो चीनी को इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट हो रहा है, तो इसमें ऐड करेंगे और 1/2 कप दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 कप और 1/2 कप दूध डाल दी है और अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अगर आपके पास थोड़ा गाढ़ा दूध हो तो इस तरह से 1 कप और 1/2 कप डालिए, और पतला दूध हो तो 2 कप डालिए। तो मेरे पास थोड़ा गाढ़ा दूध था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 कप और 1/2 कप डाला है। तो देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। तो लेमन जूस डालने से हमारा जो दूध है ना, वो एकदम फट जाएगा और दानेदार बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दी है और इस तरह से अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारा जो दूध है ना, वो अच्छी तरह से फट जाए। तो आप लोग देख सकते हैं दूध हमारा थोड़ा थोड़ा फट चुका है। तो चम्मच की मदद से इस तरह से चलाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है थोड़ा सा वेनिला एसेंस। तो अगर आपके पास केवरा एसेंस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एकदम ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ही आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से उबालने के लिए रख देंगे। और हमने जो रोटी और मिल्क पाउडर को रोस्ट करके रखा था ना, वो एकदम ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से 1 ग्राइंडर जार ले ली है और सभी जो रोटी और मिल्क पाउडर है ना, इनको डाल देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा मोटा ग्राइंड हुआ है, तो इस बार जब ग्राइंड करेंगे ना, एकदम फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है, तो एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो अभी हमारा जो मिल्क पाउडर है वो एकदम अच्छा बनेगा। तो हमने जो दूध को रखा था ना, तो देख सकते हैं एकदम गाढ़ा हो चुका है और एकदम फट चुका है। तो इसमें ऐड करेंगे जो ग्राइंड करके रखा था मिल्क पाउडर और रोटी को, तो वो डाल देंगे। और डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो देख सकते हैं मिक्स कर ली है, और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ले ली है देसी घी। तो आप लोगों को पसंद हो तो ही डालना, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी चीनी डाल दी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी डालने से हमारा जो मिल्क केक है ना वो एकदम रसीला बनेगा और शाइनी बनेगा, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो चीनी को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको अभी निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक कागज़ ले ली है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कागज़ से क्या करेगी आप, तो मेरे पास कोई ट्रे वगैरह नहीं है इसे सेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक कागज़ ले ली है और कागज़ को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको एक शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ट्रे वगैरह नहीं हो तो इस तरह से आप इजी से मिल्क केक का जो शेप है ना इसे दे सकते हैं। तो आप लोगों को भी आसानी होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से एक शेप दे दी है और अभी इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही कुल्ले में रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ये सेट हो जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद हमारा मिल्क केक जो है वो एकदम सेट हो चुका है। तो चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे धीरे से। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कट कर ली है और अभी हमारा रसीला एकदम टेस्टी बाजार जैसा मिल्क केक बनकर तैयार है। तो कोई कह भी नहीं सकता है ये घर पर बनाकर तैयार किया गया है, वो भी बची हुई रोटी से। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितना नरम और रसीला हमारा मिल्क केक बनकर तैयार है। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।